फरीदाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र में फिर से सड़क हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आपको बता दें यह आगरा और फरीदाबाद बॉर्डर है, जहां FAH मेडिकल कॉलेज के सामने यह भयानक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि दो ट्रक एक ही रास्ते पर फरीदाबाद की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद एक कार में टक्कर लगने के बाद यह ट्रेलर और टैंकर आपस में टकराया, जिसके बाद ये ट्रेलर एक ढाबे में था घुसा, उसके बाद यह जो टैंकर था इंडियन ऑयल का वो नीचे गिर चुका है, यहाँ पुल से नीचे गिरा है। उसके बाद देख सकते हैं और उल्टा पड़ा हुआ, उसके बाद यहाँ IOC के अधिकारियों द्वारा इसको तेल को बाहर निकाला जा रहा है, तो वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा सड़क को क्लियर करवा दिया गया, जिससे कि आवागमन सुनिश्चित हो सके और लगातार चल रहा है। लेकिन आपको इधर दिखाते हैं हम कि किस तरह से यह हादसा हुआ। हादसा आगरा की तरफ से फरीदाबाद की तरफ ये दोनों ट्रक और एक कार जा रहे थे, कार में टक्कर लगने के बाद ये जो कार आप देख रहे हैं उस तरफ जो कार खड़ी है, ये जो आप डिवाइडर के बीच में जो वैगनर कार खड़ी है उस वैगनर में टक्कर होने के बाद ये दोनों ट्रक अनियंत्रित हुए और एक ये ट्रेलर है ये इस ढाबे में, ये ढाबा हम आपको दिखाते हैं, ये ढाबे के अंदर जा घुसा है। हालांकि यहाँ भी कोई गनीमत रही कि यहाँ भी कोई हताहत नहीं हुआ है, इस ढाबे में जा घुसा और जो टैंकर था वो इस यहाँ ऊपर रोड से नीचे गिर चुका, इसके बाद स्थानीय पुलिस ने आनन फानन में इस रास्ते के लिए करा दिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। कैमरा संदीपक के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट।